Hello students, this is chapter 11, list manipulation of class 11th. First topic is multiple choice questions. Under the multiple choice questions, first question is, list can contains value of these types. List kis kis type ki value contain karti, to integer, float, list, tuple, to all of these option correct hoga isme. Clear? All of these option correct hoga. Now second question is, which of the following will create an empty list? Empty list create karne ke kaun kaun se method hai isme? L equal to ye square bracket likha hai, ye bilkul correct hai. List zero aisa nahi hota hai. List yani first aur third option correct hoga isme. List ya aap curly brace list function hai, theek? लिस्ट का यूज करके भी कर सकते हैं और ये एम्प्टी ऐसा कोई लिस्ट नहीं क्रिएट होती है. क्वेश्चन नंबर थर्ड में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिटर्न द लास्ट एलिमेंट ऑफ एल इन एल विद फाइव एलिमेंट्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिटर्न द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट एल, लिस्ट का नाम एल रखा है, विद फाइव एलिमेंट्स. तो इसमें चाहे एल फोर कर दीजिए तो भी ये जीरो टू लास्ट के लास्ट फाइव एलिमेंट ये रिटर्न करेगा, और या माइनस वन कर दीजिए, ठीक है? दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है. इफ एल एक लिस्ट है जिसमें वन टू है, देन एल इंटू टू विल एल, अगर एल इंटू टू करेंगे तो वो दो बार रिपीट हो जाएगा डिजिट. दो बार रिपीट कैसे? वन टू वन टू, क्योंकि लिस्ट हमारी वन टू थी ना, तो वन टू दो बार रिपीट हो जाएगा. ये रिपीट करने के लिए हम लोग एस्टिक सिंबल या मल्टीप्लाई सिंबल यूज करते हैं. इफ एल वन वन थ्री फाइव एंड एल टू टू फोर सिक्स, देन एनवल एल वन प्लस एल टू, ये कॉन्कैटिनेशन का सिंबल है, प्लस का सिंबल. ये दो लिस्ट को ऐड करता है, यानी फर्स्ट लिस्ट के जस्ट बाद दूसरी लिस्ट ऐड हो जाएगी. तो 135 पहले प्रिंट होगा, इसके बाद 246 प्रिंट होगा और सेम लिस्ट में प्रिंट होगा. तो यही एक ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, गिवन अ लिस्ट एल 10 20 30 40 50 60 70, व्हाट वुड एल 1:4, यानी ये रेंज दी गई है. 1 ये एड्रेस है, यानी फर्स्ट एड्रेस से मैं जीरो से शुरू होती है काउंटिंग, ठीक? तो ये 10 होगा जीरो पर, ये 20 होगा फर्स्ट वन पर, इसका इंडेक्स नंबर होगा 1, इसका इंडेक्स नंबर 2, फिर इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5, इंडेक्स नंबर 6. ये 70 इंडेक्स नंबर 6 पे आएगा, हमको 4 तक करना है. तो ये स्टार्ट लिमिट है, ये स्टॉप लिमिट है. स्टॉप लिमिट हमेशा एक्सक्लूड रहती है, मीन्स ये 20 प्रिंट करेगा, 30 प्रिंट करेगा और 40 प्रिंट करेगा, ठीक? क्योंकि फोर्थ एलिमेंट हो, फोर्थ इंडेक्स नंबर पर है 50, और फोर्थ इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए 20 30 40 ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन थर्ड. गिवन अ लिस्ट एल, एक लिस्ट दी हुई है 10 20 30 40 50 60 एंड 70, व्हाट वुड 2:-, यानी स्टार्ट लिमिट पॉजिटिव में दी है और स्टॉप लिमिट निगेटिव में दी है, तो इस ये क्या रिटर्न करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं. देखिए, प्लस 2 से शुरू करना है तो ये 0 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा, यानी 30 प्रिंट करेगा, फिर 40 प्रिंट करेगा, फिर 50 प्रिंट करेगा. क्योंकि माइनस 2 कहाँ आएगा भाई? अगर हम रिवर्स इंडेक्सिंग करें तो ये -1 70 होगा, -2 होगा 60, तो 60 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि अपर लिमिट एक्सक्लूड रहती है. नेक्स्ट, गिवन अ लिस्ट, एक लिस्ट फिर सेम लिस्ट दी हुई, व्हाट वुड -4:-1, यानी -4 से स्टार्ट करना है, -1 तक जाना है, ठीक? ये क्या रिटर्न करेगा? तो देखिए, -4 पे अगर मैं काउंट करूँ तो -1, -2, -3, -4, -5, -4 ये है 40. तो पहले 40 प्रिंट करेगा, फिर 50 प्रिंट करेगा, फिर 60 प्रिंट करेगा, और -1 एक्सक्लूड होता है इसलिए इसको नहीं प्रिंट करेगा. क्लियर है? नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिस्ट सेम लिस्ट रिपीट है, व्हाट वुड -3:99,
माइनस थ्री से शुरू करना हो 99 तक जाना है। देखिए 99 कोई एड्रेस तो इसमें दिया नहीं है, ठीक। आप पॉजिटिव में भी देखें तो 99 तक नहीं जाएगा, यानी ये लास्ट तक जाएगा। माइनस थ्री से शुरू करना है तो माइनस वन, ये माइनस टू होगा, ये माइनस थ्री होगा, ठीक। तो पहले क्या प्रिंट होगा इसमें, पहले 50 प्रिंट होगा, फिर 60 प्रिंट होगा, फिर 70 प्रिंट होगा। इसके आगे कोई लिस्ट में एलिमेंट है नहीं, इसलिए यही लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट है टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट नेमली स्माइल्स इन पाइथन विल बी यूज्ड, ठीक। एक कोई स्माइल नाम की एक लिस्ट है, उसमें लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, तो लास्ट एलिमेंट के लिए माइनस वन आप प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि हमको उसकी लेंथ तो पता नहीं है, ठीक। तो हम माइनस वन करेंगे तो लास्ट एलिमेंट प्रिंट कर देगा, ऐसा हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ रखा है। इसकी इंडेक्सिंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज करेक्ट सिंटेक्स टू कॉपी वन लिस्ट इनटू अनदर, लिस्ट को कॉपी करने का क्या तरीका है। तो लिस्ट देखिए, आप केवल लिस्ट ए इक्वल टू लिस्ट बी ऐसा करेंगे, ये गलत तरीका है। लिस्ट ए लिस्ट बी अगर आप ऐसा छोड़ देते हैं, ठीक, दोनों कोलन यानी स्टार्ट स्टॉप पोजीशन नहीं बताते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट स्टार्ट से एंड तक जाता है। तो ये एक तरीका ये सही है और दूसरा तरीका ये सही है, यानी सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, वॉट इज प्रिंटेड बाई द पाइथन कोड, प्रिंट लिस्ट रेंज थ्री। देखिए यहाँ एक रेंज दी हुई है, एक स्टेटमेंट दिया है, अगर मैं ऐसा प्रॉम्प्ट के आगे टाइप करूँ तो क्या करेगा, रेंज थ्री दी हुई है, यानी जीरो वन टू ये प्रिंट करेगा, जीरो वन एंड टू ये लिस्ट में प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल क्रिएट अ लिस्ट, लिस्ट क्रिएट करने का कौन सा कमांड है। भाई लिस्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं, लिस्ट आप ब्लैंक भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट वन टू थ्री भी ऐसा कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन वी एग्जीक्यूट लिस्ट हेलो, हेलो को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, हेलो एज ए स्ट्रिंग लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं लिस्ट आगे ऐड करता हूँ तो ये लिस्ट में कन्वर्ट होगा, यानी हर एक कैरेक्टर कॉमा सेपरेटेड हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट गेट्स प्रिंटेड नेम, कुछ नेम दिए हुए हैं स्ट्रिंग में, ठीक, हसन है, बलवंत है, सीन है, दिया है, प्रिंट नेम माइनस वन ऑफ माइनस वन। तो देखिए ये जीरो इंडेक्स हुआ, ये वन इंडेक्स हुआ, ये टू इंडेक्स हुआ, ये थ्री इंडेक्स हुआ पॉजिटिव में। अगर निगेटिव करना है, निगेटिव इंडेक्सिंग, तो ये माइनस वन पे आएगा, ये माइनस टू पे आएगा, ये माइनस थ्री और ये माइनस फोर। अब मुझे माइनस वन तो मिल गया, दिया दिया में भी माइनस वन ऑफ माइनस वन, मीन्स इसका माइनस वन कहाँ होगा, अगर इसकी इंडेक्सिंग अलग की जाए तो ये जीरो वन टू होगा, और इधर से करेंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो इसमें केवल ए प्रिंट होना चाहिए, ठीक। करेक्ट ऑप्शन में देखिए केवल ए प्रिंट भी किया गया है, ठीक। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर यही है, क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, क्योंकि दिया नहीं प्रिंट होगा। अगर माइनस वन केवल दिया गया होता तो दिया प्रिंट होता, माइनस वन ऑफ माइनस वन दिया गया है तो केवल लास्ट का करेक्टर प्रिंट होगा ए। वो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, एक लिस्ट दी हुई नन और मल्टीप्लाई किया गया है 10 टाइम, ठीक, और इसकी लेंथ फाइंड की जाएगी। नन कुछ करता नहीं है तो पता ही है, तो ये 10 ब्लॉक क्रिएट कर देगा एम्प्टी, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसका करेक्ट आउटपुट क्या होगा, 10। कंसीडर द लिस्ट, एक लिस्ट दी हुई है, ठीक, सीपो 1 2 1 3 5 7, व्हाट वुड द फॉलोइंग कोड प्रिंटेड, लिस्ट 0 1। अब देखिए 0 1 पे कौन है, 0 ये है इंडेक्स और ये है वन इंडेक्स, फिर 0 ऑफ 1, 0 ऑफ 1 मतलब ये आई प्रिंट करेगा, और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रिंट करना है 1, ठीक, तो ये 0 का फर्स्ट प्रिंट करेगा, और फिर आगे प्रिंट करना है कॉमा अ लिस्ट 1 ऑफ 1, यानी ये 1 है और इसका भी 1 है, तो ये आई और 3 प्रिंट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18,
Now question number 18 is, which of the following is standard Python library function and not an exclusively list function? ये Python का तो function है लेकिन specially list का function नहीं है. तो len, len हम लोग string में use करते थे. len specially इसका function नहीं, बाकी append, remove and pop list के function, बाकी len जो है len किस में? String में भी हम लोग use करते थे, बाकी स्ट्रिंग में नहीं यूज करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऐड ओनली वन वैल्यू टू अ लिस्ट. केवल एक वैल्यू ऐड करने के लिए हम लोग अपेंड मेथड, अपेंड फंक्शन यूज करते थे. ठीक, ये लास्ट में एक सिंगल वैल्यू, और अगर आप मल्टीपल वैल्यू ऐड कराना चाहते हैं एट अ टाइम तो उसके लिए एक्सटेंड यूज होता था. ठीक, तो यहाँ पर इस केस में अपेंड क्वेश्चन सही, अपेंड ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऐड अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट टू अ लिस्ट. लिस्ट ऑफ एलिमेंट मतलब कई लिस्ट, कई एलिमेंट अगर आपको एक साथ एज अ लिस्ट पास कराने हैं तो उसके लिए एक्सटेंड यूज किया जाता है. ठीक, एक्सटेंड और अपेंड दोनों से ही एलिमेंट ऐड होते हैं, लेकिन अपेंड में सिंगल एलिमेंट ऐड होगा लिस्ट में, जबकि एज अ लिस्ट, लिस्ट में अगर कोई ऐड करना है, मल्टीपल आपको एलिमेंट ऐड कराने हैं तो एक्सटेंड यूज करना पड़ेगा, एक्सटेंड मेथड. नेक्स्ट, Which of the following will always return a list? ठीक, sorted, देखिए max, min, sort, ये list return ही करते हैं. sorted, sort क्या करता है? In place value को sort करता है, क्योंकि sorted एक copy return करता है. ठीक, sorted की. Number 22, which of the following can delete an element from a list if the index of the element is given? अच्छा, इंडेक्स अगर आपने प्रोवाइड कर रखी है तो उसमें कौन सा डेल फंक्शन यूज किया जाता है. ठीक, पॉप क्या करता है? पॉप बाय डिफॉल्ट लास्ट से एलिमेंट रिमूव करता है और रिमूव्ड एलिमेंट डिस्प्ले कराएगा, रिमूव भी करता है, लेकिन इसमें आपको इंडेक्स वैल्यू देनी है. और डेल क्या करता है? अगर डेल आपने इंडेक्स वैल्यू कोई दे रखी है तो डेल स्टेटमेंट होगा. Which of the following can delete an element from a list if its value is given? अगर आप वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए कोई आपने लिस्ट क्रिएट की, जैसे पहले लिस्ट आपने देखी 10, 30, 40, 50 ऐसे करके, उसमें से आप अगर 50 को डिलीट करना चाहते हैं तो सीधे 50 वैल्यू दे दीजिए, और जहां भी होगा, जहां वो फर्स्ट मैच उसको मिलेगा, मान लीजिए मल्टीपल एलिमेंट हैं सेम, तो क्या होगा? जहां फर्स्ट मैच होगा वही रिमूव कर देगा. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च फॉर एन एलिमेंट इन लिस्ट एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स. इंडेक्स को रिटर्न कराने इंडेक्स फंक्शन होता है. ठीक, जो इंडेक्स मान लीजिए किसी का फाइंड करना है तो वो उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा, क्योंकि किस इंडेक्स पर है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉपी अ लिस्ट टू अनदर लिस्ट. लिस्ट में कॉपी करने का क्या तरीका है? एक तो लिस्ट और दूसरा कॉपी. ठीक, दोनों ही कॉपी करने के मेथड हैं. तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुए. फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट आर म्यूटेबल डेटा टाइप. यहाँ म्यूटेबल फिल करना था तो मैंने पहले से फिल कर रखा है. डेटा टाइप्स एंड द देयर वैल्यू कैन बी चेंज्ड. टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट फंक्शन लिस्ट कैन बी यूज्ड. एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए लिस्ट भी यूज किया जा सकता है. द प्लस ऑपरेटर एड्स वन लिस्ट टू द एंड अनदर लिस्ट. एक लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट ऐड करने के लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर या इसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं. द ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर है? ये ऑपरेटर है, इसमें आपको मल्टी ऑपरेटर रिप्लीकेट्स अ लिस्ट. एस्ट्रिक ऑपरेटर क्या? रिप्लीकेट करता है. टू चेक इफ एन एलिमेंट इज इन लिस्ट, इन ऑपरेटर इज यूज. अगर इन, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है ना, इन एंड नॉट इन, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है. तो अगर किसी एलिमेंट को चेक करना है कि इस लिस्ट में है नहीं, तो इन ऑपरेटर यूज किया जाता है. टू डिलीट अ लिस्ट स्लाइस फ्रॉम अ लिस्ट, डेल स्टेटमेंट इज यूज्ड. अगर किसी एक लिस्ट से उसका कोई सब पार्ट डिलीट करना है तो डेल स्टेटमेंट यूज किया जाता है. अननेस्टेड लिस्ट कंटेन्स अनदर लिस्ट एज इट्स नंबर मेंबर. मतलब एक नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होती है. टू इंसर्ट फंक्शन, द इंसर्ट फंक्शन इज यूज टू इंसर्ट एलिमेंट एट द डिजाइनेटेड पोजिशन इन अ लिस्ट. अगर आप इंसर्ट यूज करते हैं तो आप पोजिशन बताएंगे किस पोजिशन पर है, उस पोजिशन पर ऐड हो जाएगा, बाकी के सारे एलिमेंट आगे शिफ्ट हो जाएंगे. पॉप,
पॉप फंक्शन यूज टू डिलीट एलिमेंट टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम डिजिनेटेड इंडेक्स इन अ लिस्ट। अगर आप पॉप करते हैं और वहाँ इंडेक्स देते हैं तो उसके आपको उस इंडेक्स की जो का जो एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट, द एक्सटेंड फंक्शन कैन अपेंड अ लिस्ट एलिमेंट टू अ लिस्ट। एक्सटेंड क्या करता है, ये फंक्शन कैन अपेंड अ लिस्ट एलिमेंट टू अ लिस्ट, यानी ये लिस्ट पूरी लिस्ट के लिस्ट ये अपेंड करा देता है। द सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट्स अ लिस्ट एंड मेक चेंजेस इन द लिस्ट। जो सॉर्ट फंक्शन आप यूज करते हैं तो क्या करता है कि इन प्लेस वैल्यू को सॉर्ट कर देता है, यानी सेम लिस्ट में वैल्यू को सॉर्ट करेगा। द सॉर्टेड फंक्शन सॉर्ट अ लिस्ट एंड रिटर्न अनदर लिस्ट, एक दूसरी लिस्ट भी रिटर्न करता है, उसकी कॉपी रिटर्न करता है। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स सेक्शन में देखते हैं हम लोग। द लिस्ट एंड कॉपी आर द सिमिलर फंक्शन, फॉल्स, लिस्ट और कॉपी सिमिलर फंक्शन नहीं है, ये लिस्ट क्रिएट करने के लिए, कॉपी करने के लिए। द पॉप एंड रिमूव आर सिमिलर फंक्शन, ये भी फॉल्स है, क्योंकि पॉप में आप क्या देते हैं, इंडेक्स वैल्यू देते हैं, और रिमूव में क्या देते हैं, सीधे कोई एलिमेंट देते हैं। ए इक्वल टू ए ब्लैंक लिस्ट एंड ए इक्वल टू लिस्ट विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, ये सही है, दिस ऑप्शन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ को स्टेटमेंट फोर्थ, लिस्ट वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज्ड, ये तो फॉल्स है, क्योंकि आप चेंज कर सकते हैं, ये म्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक, टू सॉर्ट अ लिस्ट सॉर्ट एंड सॉर्टेड बोथ कैन बी यूज्ड, ये सही है, आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में डेटा को अरेंज करने के लिए सॉर्ट या सॉर्टेड यूज कर सकते हैं। द एक्सटेंड एड्स अ सिंगल एलिमेंट टू अ लिस्ट, नहीं, एक्सटेंड तो मल्टीपल एलिमेंट करता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द अपेंड कैन एड एन एलिमेंट इन द मिडिल ऑफ अ लिस्ट, नहीं, ये लास्ट में ही ऐड करता है, लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अगर ऐसा करना है तो इंसर्ट यूज कर सकते हैं, द इंसर्ट कैन ऐड एन एलिमेंट इन द मिडिल ऑफ अ लिस्ट, ट्रू, इंसर्ट का यूज करके आप कहीं पर भी एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं, जबकि अपेंड का यूज करेंगे तो डिफॉल्ट में वो लास्ट में ही वैल्यू को ऐड करेगा। द डेल स्टेटमेंट कैन ओनली डिलीट लिस्ट स्लाइस एंड नॉट सिंगल एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट, फॉल्स, क्योंकि डेल से आप पूरी मतलब पार्ट भी डिलीट कर सकते हैं और पूरी लिस्ट भी डिलीट कर सकते हैं। द डेल स्टेटमेंट कैन वर्क सिमिलर टू द पॉप फंक्शन, पॉप फंक्शन की तरह ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।